अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इज़ आवर 29 लेक्चर ऑफ काउंटडाउन ग्रेड 4। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3A, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 57। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। पार्ट ए, 1/10, 2/10 एंड 9/10 आर द लाइक फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो फ्रैक्शन लाइक है। पार्ट बी है, 1/8, 1/10 एंड 1/12 आर अनलाइक फ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर 8 है, 10 है, 11 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं। नेक्स्ट पार्ट सी है, 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शन, ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? ये कोवेलेंट फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इनको सेम टेबल पर ये डिवाइड हो सकती हैं, तो ऐसी फ्रैक्शन जिनको डिवाइड करने से, वो सेम टेबल पर डिवाइड करने से दूसरी फ्रैक्शन बन जाएं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं। देखें, 4 पर डिवाइड किया, 4 5s are 20 और फिर 4 8s are 32, तो ये तकरीबन सेम है। कटिंग करने से, रिड्यूस करने से ये 5/8 आ जाता है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पार्ट डी है, 3/5 इज़ डैश देन द 5/6, स्मॉलर या ग्रेटर बताना है, तो हम क्या करेंगे? 3/5 और 5/6 में ना तो नोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर ऐसा हो, ना नोमिनेटर सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो, और हमें लेस देन और ग्रेटर देन बताना हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 3s are आ जाएगा 18 एंड 5 5s are 25 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपने बताना है 18 या 25 में से, 18 क्या है? स्मॉलर है, इट्स मीन 3/5 स्मॉलर है, तो 3/5 इज स्मॉलर देन 5/6। पार्ट ये स्टूडेंट, ये देखें, ये सारी फ्रैक्शन जो हैं वो छोटे से बड़े की तरफ हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कहाँ देखना है? नोमिनेटर में। नोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वही फ्रैक्शन छोटी होती है, जो नंबर बड़ा होता है नोमिनेटर में वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो ये छोटे से बड़े की तरफ है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसके लिए हमें पहले पार्ट ए देखेंगे, 3/11, 3/10 एंड 3/9 एंड 3/4 हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? बड़े से छोटे की तरफ। तो पहले ये देख लें कि ये नंबर जो सबसे शुरू में है वो बड़ा है या सबसे छोटा है। स्टूडेंट जब हमारे पास नोमिनेटर सेम हो तो हम कहाँ देखते हैं? डाउन में देखते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है फ्रैक्शन उतनी छोटी होती है। तो अब ये जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है 3/11, ये छोटी है सबसे, और जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती है, और 3/4 सबसे बड़ा है। अब ये छोटे से बड़े की तरफ है, तो ये ऑर्डर डिसेंडिंग नहीं हो सकता बल्कि असेंडिंग होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। पार्ट बी है स्टूडेंट, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द, रिड्यूस मतलब छोटा करना, और छोटा कैसे किया जाता है, रिड्यूस कैसे किया जाता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, उसको सेम टेबल पर डिवाइड करेंगे। तो 5 को सेम टेबल पे, जिससे हम नोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं उसी से हमने डिनोमिनेटर को उसी टेबल से डिवाइड करना है। तो 5 3s are 15 आ जाएगा, 5 1s are 5, तो यही आंसर आया है रिड्यूस करने से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट सी है, 3/5 इज़ ग्रेटर देन 7/10, इन दोनों में से बड़ा या छोटा बताना है आपने, तो क्या करेंगे? 10 3s are 30 एंड 5 7s are क्या आ जाएगा? 35। तो इन दोनों में से 30 जो है वो छोटा है, तो इट्स मीन ये 3/5 जो है वो स्मॉलर है, क्योंकि ये स्मॉलर है लेकिन इन्होंने क्या कहा है? ग्रेटर है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। पार्ट डी है, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5 and 6 एंड आर विल बी 12। देखिए स्टूडेंट, 6 का टेबल पढ़ने से भी 12 आ जाता है, 4 का टेबल पढ़ने से भी 12 आ जाता है, इट्स मीन कॉमन डिनोमिनेटर 12 ट्रू है, सही है। दोनों डिनोमिनेटर्स के टेबल पढ़े उनमें से अगर ये नंबर आ जाता है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, येस, लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द, इनकी लोएस्ट फॉर्म बतानी है। जैसा कि हमने ऊपर रिड्यूस किया था, यहाँ पे भी लोएस्ट यानी छोटा करना है, तो क्या करना है बच्चों? आपने उस नंबर को डिवाइड कर देना है किसी भी नंबर से, टेबल से, जिस पर वो डिवाइड हो सकते हैं, और नंबर सेम होना चाहिए नोमिनेटर से जिसे कह रहे हैं और डिनोमिनेटर से जिसे कह रहे हैं, सेम नंबर होगा। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 275 है, दोनों के एंड पे 0 और 5 है, तो वो नंबर 5 पे डिवाइड हो जाते हैं जिनके एंड पे 0 और 5 है, दोनों सेम नंबर 5 ले सकते हैं, ठीक है।
5 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 275 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। अगेन इनके एंड पे 0 और 5 है तो अगेन इनको 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 4/11 यहाँ पे मौजूद है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट बी है 2/9, 1/4 एंड 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। आपने कौन से आर्डर में इनको अरेंज करना है? इन डिसेंडिंग आर्डर में। स्टूडेंट बी केयरफुल, यहाँ पे जो आपने सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में देखा वहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम थे। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में देखा यहाँ पे नोमिनेटर सेम, यहाँ पे नोमिनेटर सेम थे, लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे आ जाए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर तो बताना है, लेकिन ना तो नोमिनेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है, इसके हमें बताने हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, क्लियर? तो डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हमने डिनोमिनेटर ले लिया 36, क्योंकि 9 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी 36 आता है, 12 के टेबल में भी 36 आता है। स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर लेने का एक मेथड ये भी है, सेम डिनोमिनेटर के आप उसका एलसीएम ले लें, किस किस का? 9, 4 और 12 का। तो सबसे पहले ये 9 कौन से टेबल पर? 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पर होता है, तो 3 3 ज़ार 9, 4 नहीं जाता तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 के टेबल में 12 आता है, यस कितने ज़ार? 4 ज़ार, क्लियर? अब फिर आप 3 को देखें, यहाँ पे 3 कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकता है? 1 पे, इसके अलावा 4 नहीं जाता 3 के टेबल में, और इसलिए ये सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास 4 है, 4 2 पे जाता है तो क्या ले लेंगे? 2। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 18 2 ज़ार 36, तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या ले लिए गए हैं? 36। स्टूडेंट 9 को किस से मल्टीप्लाई कराएं? 36 आए 4 से, तो नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, सेम काम हमने जो डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हैं वही नोमिनेटर के साथ भी करेंगे, तो 4 2 ज़ार क्या बन जाएगा? 8 और 9 4 ज़ार 36। 4 9 ज़ार 36 एंड नोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 1 ज़ार 9। 12 3 ज़ार 36 तो नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो क्या आ जाएगा? 21। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप, सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम कहाँ देखेंगे? नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में हमें चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो इसीलिए हम सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढेंगे, बड़ा नंबर 21 है, और वो किसका आंसर है? 7/12 का। 21/36 सबसे बड़ा है, फिर 9/36 है, फिर 8/36 है। 21/36 किसका आंसर था? 7/12 का। फिर 9/36 किसका आंसर था? 1/4 का। और 8/36 किसका आंसर था? 2/9 था। तो ये करेक्ट आर्डर आ जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर, क्लियर? ये ऑप्शन हम सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें 7/12, 1/4 एंड 2/9 सर्कल कर देने हैं। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द 1/28 एंड 3/6 336। स्टूडेंट लुक एट हेयर, इसको रिड्यूस करने का प्रोसेस देखें, 1/28 है और 3/36 है, और इनको रिड्यूस करना है, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, तो इसको हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों को डिवाइड करे। इसके एंड पे 6 है, इसके एंड पे 8 है, तो 2 भी डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के 6 8 पे हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आप रफ वर्किंग में इनको डिवाइड कर लेंगे, 2 6 ज़ार 12 नीचे आ जाएगा, 8 2 4 ज़ार 8, क्या आंसर आ गया? 64। इसी तरह आप 336 को भी डिवाइड कर लेंगे, 2 2 1 ज़ार 2 3 6 ज़ार 12 3 8 ज़ार 16, तो आंसर आ जाएगा 168। ये हो गया स्टूडेंट रिड्यूस। अब आप देखिए कि और भी रिड्यूस हो सकते हैं, यस ये और भी रिड्यूस हो सकते हैं, अगर हम इसे 8 से डिवाइड कर लें, 8 8 ज़ार 64 और 8 2 ज़ार 16 एंड 8 1 ज़ार 8,
अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 8 8 64, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह यहाँ पे इसको डिवाइड कर लें 168 को 8 से, 8 2 16, नीचे आ जाएगा 8 8 1 8, तो आंसर आ जाएगा 21। अब ये और रिड्यूस नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, लेकिन 21 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये और रिड्यूस नहीं हो सकते। स्टूडेंट लोएस्ट टर्म क्या आ जाएगी, 8 बाय 21। पार्ट डी है स्टूडेंट 15 बाय 64 एंड 3 बाय 8 आर द, कटिंग कर लें, 5 के टेबल पर ही डिवाइड होता है, लेकिन ये 5 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि सेम टेबल पर डिवाइड नहीं हो रही, और ये इक्वल फ्रैक्शन भी नहीं है, 15 15 होता, 64 64 होता तो इक्वल फ्रैक्शन होती, इक्विवेलेंट भी नहीं है कि ये 5 पे डिवाइड होता है, ये 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो इट्स मीन कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। लाइक भी नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर स्टूडेंट, पार्ट ई है अनलाइक फ्रैक्शन है, द डिफरेंट डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। SLS स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने बुक पर सॉल्व करने हैं, साथ में आपने रफ कॉपीज पर प्रैक्टिस भी करनी है। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।